उसमें लिंक दे रखा है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो संगणक की भर्ती हुई थी पिछली बार उसकी कट ऑफ गई थी जनरल की 62.531, कितनी गई थी 62.31, और फीमेल की कट ऑफ गई थी 57, और विडो कैटेगरी गई थी 42, और डाइवोर्स कैटेगरी की गई थी 40.60, और एससी कैटेगरी की गई थी 51.95, फीमेल की गई थी एससी कैटेगरी के अंदर 43.95, एसटी कैटेगरी के अंदर जनरल की कट ऑफ गई थी 49.14, फीमेल की गई थी 42.95, ओबीसी की गई थी 40.72, फीमेल की गई थी 55.19, और एमबीसी की गई थी 59.9226। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हमारी जो इस बार की है वैकेंसी 2021 की, तो उसके अंदर कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है? जनरल की कट ऑफ जा सकती है 65 से 68 के बीच में। तो जनरल है उसकी कट ऑफ 65 से 68 वाले बच्चे अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, और जनरल फीमेल की कट ऑफ जा सकती है यहाँ पे 61 से 64 के बीच में, जनरल फीमेल की कट ऑफ। विडो कैटेगरी की जा सकती है 46 से 48 के बीच में, और डाइवोर्स कैटेगरी जा सकती है 44 से 46 के बीच में, इतनी कट ऑफ जा सकती है यहाँ पे। यदि बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जनरल की कट ऑफ जा सकती है 62 से 64 के बीच में, फीमेल की जा सकती है 57 से 59 के बीच में, विडो कैटेगरी जा सकती है 42 से 44 के बीच में, और डाइवोर्स कैटेगरी की जा सकती है 40 से 42 के बीच में। यदि ओबीसी की बात करें हम यहाँ पे, ओबीसी कट ऑफ जा सकती है 64 से 66 के बीच में, और फीमेल की जा सकती है 56 से 59 के बीच में। यदि एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी कट ऑफ जा सकती है 54 से 56 के बीच में, फीमेल की जा सकती है 45 से 48 के बीच में। यदि एसटी की बात करें हम, एसटी की जा सकती है 50 से 55 के बीच में, और 45 से 50 के बीच में फीमेल की, एससी फीमेल की कट ऑफ जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।